हेलो फ्रेंड्स, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए एज यू सो सो शैल यू रीप, जो बोओगे वही काटोगे या फल पाओगे। इस अंग्रेजी और हिंदी में मैं इसे लाइन बाय लाइन या वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करके आपको बताऊंगी। इससे विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोग होगा। मैंने अपने पहले वीडियो में इसे हिंदी में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आप उसे एक बार सुन लीजिए, तभी आपको यह बहुत इजी होगा। यहाँ इस लेफ्ट साइड में मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। थॉट्स मतलब विचार, गुड मतलब अच्छे, ग्रेटिट्यूड मतलब आभार या आभारी, डिसिप्लिन मतलब अनुशासन, हेल्थ मतलब आरोग्य, फिलान्थ्रोफी मतलब परोपकार, अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धि, पैट्रियोटिज्म मतलब देश प्रेम, बैड थॉट्स मतलब बुरे विचार, लेजीनेस मतलब आलस्य, नॉट हैविंग फोकस मीन्स दिशाहीन, नेचर मतलब निसर्ग, पॉल्यूशन मीन्स मालिन्य, इफेक्ट्स मीन्स प्रभाव, एक्शन मतलब क्रम। देखिए मैं यह प्रोवर्ब्स मतलब लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्ति यह जनमानस के अनुभव से आती है। देखिए प्रोवर्ब्स आर द सेइंग्स ऑफ द कॉमन मैन, दे कम फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंसेस। देखिए लोकोक्तियाँ ये बोल है, किसके बोल है, जनमानस के बोले बोल है। देखिए ऑफ का मतलब इधर के होता है, वे उनकी, दे मतलब वे, उनके उनके जीवन के अनुभवों से रचित हुई है। यहाँ कम मतलब रचित हुई है, देखिए फ्रेंड्स रचित हुई है, देर मतलब उनके उनकी या उनके जीवन के अनुभव, एक्सपीरियंसेस मतलब अनुभव, लाइफ मतलब जीवन के अनुभव से रचित हुई है। इस तरह से हमें छोटे छोटे बातों का आर ऑफ इन सब पे दे इन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इन्हीं से वाक्यों में वर्ड्स में संबंध बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन, दिस प्रोवर्ब इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ अवर थॉट्स। देखिए दिस मतलब यह एक वचन है, प्रोवर्ब मतलब कहावत, इज मतलब यह पास्ट प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस को यह कह रहा है। अबाउट किस बारे में कह रहा है, हमारे विचारों की शक्ति के बारे में कह रहा है। अबाउट मतलब बारे में, अवर मतलब हमारे, थॉट्स मतलब विचार, ऑफ मतलब के। देखिए फ्रेंड्स यह बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनके ऊपर आप ध्यान दोगे तो आपको लैंग्वेज ट्रांसलेशन बहुत इजी होगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, एज वी ऑल नो दैट सीड्स ऑफ द हार्वेस्ट आर सेम एज दैट वी हैव सोव इन अवर फील्ड्स। मतलब हम सब, एज वी जैसे, वी मतलब हम, एज मतलब जैसे, एज वी ऑल नो दैट, नो मतलब जानते हैं, दैट मतलब उसे, क्या जानते हैं हम, सीड्स मतलब बीज, ऑफ किस चीज़ के बीज, हार्वेस्ट मतलब जो कटाई होता है, जो धान आता है उसे हार्वेस्ट कहते हैं। आर सेम, आर मतलब ये देखिए बहुवचन है, सेम मतलब सेम एज दैट वी हैव सोड इन अवर फील्ड्स, मतलब वह, दैट मतलब उसी तरह है, वी हम हैव सोड इन अवर फील्ड्स मतलब हमने बोया है, सो और सोड। देखिए ये प्रेजेंट टेंस है, सोड मतलब ये पास्ट टेंस है, तो हमने जो बीज बोया था हमने उसी का कटाई किया है या उसी का फल हमने पाया है। हैव सोड इन अवर फील्ड्स मतलब हम खेतों में। हम सब जानते हैं कि जो धान्य हम कटाव करते हैं उसका बीज और जो हम खेत में बीज बोते हैं यह समान होता है, होते हैं। Our own thoughts decides our life, work and relationships. देखिए our own thoughts, हमारे अपने विचार ही, our own thoughts, our मतलब हमारे, own मतलब अपने, thoughts मतलब विचार, ही decides मतलब निर्धारित करते हैं, our life, our मतलब हमारे, life मतलब जीवन, work मतलब कार्य, relationships मतलब संबंधों को, and का मतलब आप, and का मतलब है और को तय करते हैं। हम हमारे अपने विचार ही हमारे जीवन कार्य और संबंधों को तय करते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, इफ़ वी सो गुड थॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड डिसिप्लिन हेल्थ फिलान्थ्रोफी
patriotism and focus on goals in our minds, then we surely reap the harvest of happiness, achievements and contentment. देखिए अगर हम if we अपने मन में गुड थॉट्स मतलब सो मतलब होना गुड थॉट्स मतलब अच्छे विचार ऑफ किस चीज़ के ऑफ ग्रैटिट्यूड का मैंने आपको मतलब समझाया है आभार डिसिप्लिन मतलब अनुशासन हेल्थ मतलब आरोग्य फिलैंथ्रोपी मतलब लोकोपकारी पैट्रियटिज्म मतलब देशभक्ति एंड फोकस ऑन गोल्स एंड और हम अगर अपने कार्य पर ध्यान देते हैं हमारे लक्ष्य पर ध्यान देते हैं इन अवर माइंड्स मतलब अपने मन में देन में फिर देन मतलब फिर वी श्योरली तब हमें श्योरली मतलब श्योरली रीप मतलब तब हम निश्चित रूप से रीप मतलब हम कटाव करते हैं द हार्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस किस चीज़ का कटाव करते हैं हैप्पीनेस संतोष अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियाँ कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का हम इस करते हैं नेक्स्ट लाइन देखिए अचीवमेंट्स ऑफ ग्रेट पीपल बुद्धा गांधी आइंस्टाइन जगदीश चंद्र बोस अनकाउंटेबल एग्जाम्पल्स आते हैं देखिए अचीवमेंट्स मतलब उपलब्धियाँ ऑफ ग्रेट पीपल मतलब महान लोगों के ऑफ बुद्धा गांधी जी आइंस्टाइन जगदीश चंद्र बोस अनकाउंटेबल अनगिनत एग्जाम्पल्स मतलब इसके उदाहरण आर देर इज देर आर देर इज मतलब एक आर मतलब बहुवचन एक वचन है महान व्यक्ति गांधी जी बुद्धा आइंस्टाइन जगदीश चंद्र बोस और अनगिनत लोगों की उपलब्धियां इसके उदाहरण है नेक्स्ट देखिए लेजीनेस इल थॉट्स मेक्स पर्सन गोललेस लेजीनेस मतलब देखिए आपको आलस्य इल थॉट्स मतलब बुरे विचार मेक्स यहाँ वर्ब है देखिए मेक्स वर्ब है मतलब क्रियापद है पर्सन गोललेस मतलब उसे दिशाहीन बनाता है ही वेज डाउन द फैमिली एंड सोसाइटी वह नीचे ही मतलब वह ये पुरुष वाक्य है ही वेज डाउन द फैमिली एंड सोसाइटी वह अपने परिवार और समाज को झुकाता है नेक्स्ट लाइन देखिए द कॉल ऑफ टाइम इज टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर अवर मदर नेचर वी हैव ऑलरेडी सोड द सीड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इट इज गिविंग फ्रूट्स समय की पुकार हमारी मातृ प्रकृति के लिए जागरूकता पैदा करना है देखिए द कॉल ऑफ टाइम मतलब कॉल मतलब पुकार टाइम मतलब समय की पुकार इज टू क्रिएट पैदा करना है अवेयरनेस मतलब जागरूकता किसके लिए फॉर अवर मदर नेचर हमारे प्रकृति माता के लिए वी हैव ऑलरेडी सोड द सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन वी हैव ऑलरेडी सोड हम कर चुके हैं क्या कर चुके हैं सोड हमने बोया है क्या बोया है सीड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन हमने क्या विनाश के बीज बोए हैं एंड इट इज गिविंग फ्रूट्स अभी वह फल दे रहा है जिस तरह से वायु मालिन और पानी का मालिन जल मालिन हो रहा है ऑलरेडी इट हैज हैपेंड पॉल्यूशन ऑफ एयर वाटर एंड लैंड इज मेकिंग अर्थ इन टू हेल द एफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूशन इज सीन इन एवरी वंस लाइफ एंड इट इज डेंजर टू फ्यूचर जनरेशन देखिए पॉल्यूशन मतलब मालिन्य ऑफ एयर किस चीज़ का हवा पानी और भूमि का इज मेकिंग अर्थ मेकिंग कर रहा है देखिए मेक्स मेकिंग अर्थ मतलब भूमि का इनटू किस तरह में उसको बदलाव कर रहा है हेल मतलब नरक में इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन उसके प्रभाव हमें मालिन्य के प्रभाव सी मतलब देखो सीन देख रहे हैं इन एवरीवन्स लाइफ हर एक की जिंदगी में अभी हम देख रहे हैं इट इज डेंजर टू फ्यूचर जनरेशन यह डेंजर मतलब डेंजर टू फ्यूचर जनरेशन आने वाली पीढ़ी के लिए हानिकारक है actions have to be taken with immediate effect देखिए इसे रोकने के लिए actions मतलब क्रम have to be taken has मतलब एक वचन have मतलब बहुवचन have to be taken with immediate effect इसे रोकने के लिए हमें तुरंत
तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स मैंने लिखा है, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के साथ आप इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।